IVM. किनी, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम इन छुट्टियों में अमेरिका जा रही हो। हाँ। शरद मामा के पास मोंटाना। हाँ नानी, पर हम वहाँ क्या करेंगे? उधर कुछ देखने के लिए है क्या? अरे तू जानवरों से इतना प्यार करती है, इसीलिए तो ये प्लान बना है। वहाँ से येलोस्टोन नेशनल पार्क जाएंगे। नेशनल पार्क? वाह, उधर कौन कौन से जानवर होंगे? ये तो तू खुद जाकर देखना। पर येलोस्टोन नेशनल पार्क की एक बहुत मजेदार कहानी है, तू सुनेगी? कहानी? ये भी कोई पूछने वाली बात है नानी, जरूर सुनूंगी। तो सुन, एक जंगल की कहानी। ये जंगल की कहानी। येलोस्टोन का जंगल तो एक बहुत ही साधारण सा जंगल होता था, वीरान सा, उदास सा। कुछ पेड़, कुछ झाड़ियाँ, कुछ पशु पक्षी और एक छोटी बहती हुई नदी। बड़ा तो बहुत था, पर उसमें कुछ खास नहीं था। और उसकी नदी, वह तो कभी भी थोड़ा सा सरक जाती, थोड़ा खिसक जाती। उसे भी इतने नीरस जंगल में मजा नहीं आ रहा था। एक दिन अचानक न जाने कहां से 14 भेड़िये जंगल में आ पहुंचे। 70 साल से तो वहां किसी ने कोई भेड़िया देखा नहीं था। जो भी इन भेड़ियों को लाया था, उसने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इन भेड़ियों से पूरा जंगल का जंगल ही बदल जाएगा। अब भेड़िये तो भेड़िया ही होते हैं। जंगल में पहुंचे तो वही करने लगे जो भेड़िये सदा से करते आए हैं। क्या? शिकार। और जो थोड़े बहुत हिरन उस जंगल में थे ना, उन्हीं का शिकार करते थे। तो कुछ हिरनों को तो भेड़िये खा गए और कुछ अपनी जान बचाकर भेड़ियों से दूर कहीं और चले गए। अब जंगल में बहुत कम हिरन बचे थे। हिरनों के जाने से जंगल का क्या हुआ होगा, जरा सोचो। जहां तहां घास उग गई, झाड़ियां बढ़ने लगी, पेड़ भी घने और ऊंचे होने लगे। जंगल की घास और झाड़ियों को कोई खाने वाला नहीं बचा था ना। अब झाड़ियां थी तो उन पर बेरीज लगी, पेड़ थे उन पर फल लगे, फल पके और सड़े तो उनको खाने कीड़े मकोड़े आए। अरे वाह, ऊपर उड़ते पक्षियों ने सोचा, यहाँ मिलेगा मजेदार भोजन। बात दूर दूर तक फैल गई। अब वहां बहुत सारे पक्षी आकर डेरा जमाने लगे, कुछ आसपास से, कुछ दूर देशों से। यहाँ घोंसला बनाने की अच्छी जगह थी और मजेदार फल भी, कीड़े मकोड़े भी। तो अब गीत गाते चहचहाते पक्षियों से जंगल गूंज उठा। पक्षियों ने जो दुनिया जहान में शोर मचाया, तो उनकी बात बीवर ने सुनी। कितने पेड़ होंगे तुम्हारे इस येलोस्टोन जंगल में, बीवर ने उड़ती चिड़िया से पूछा। इतने सारे कि तुम गिन नहीं सकते। और नदी भी है क्या वहां? बिल्कुल है। बीवर तो अपना घर बनाने के लिए नदी में जगह ढूंढ ही रहा था। मन में सोचा, चलो येलोस्टोन। उसके घर की बात सुनी तो बहुत से और बीवर भी आ गए। बीवर बड़े विचित्र जीव होते हैं, चूहे जैसे छोटे छोटे। वे पेड़ की लकड़ी को खाते भी हैं और उससे अपने घर भी बनाते हैं। फिर जब मौसम खराब होता है और घर से निकलना मुश्किल होता है, तो अपने ही घर की थोड़ी सी लकड़ी खा लेते हैं। पता है वे घर कहाँ बनाते हैं? बहती नदी की धारा में। वे क्या करते हैं कि पहले कुछ लंबी लकड़ियां लाकर उनको खड़ा करते हैं और बहते पानी को रोककर एक डैम बनाते हैं। फिर वहां वे मिट्टी और लकड़ी से अपना घर बनाते हैं। तो बीवर लोगों के आने से कहानी और आगे बढ़ी। जब डैम बन गए
तो पानी में रहने वाले ऊद बिलाव, छुछुंदर, मछलियां, बतखें और न जाने कौन कौन से जीव जंतु आए और आते ही चले गए। चलो येलोस्टोन, चलो येलोस्टोन, जिससे सुनो उसकी जुबान पर एक ही नाम था, येलोस्टोन, येलोस्टोन, येलोस्टोन। अरे उन भेड़ियों को तो हम इन सब जीवों की भीड़ भाड़ में भूल ही गए थे। जंगल में हिरन तो कम हो गए थे, अब किसका शिकार किया जाए, उन्होंने सोचा। अगली चॉइस थी कायोटी। भेड़ियों ने कायोटी का शिकार किया। कायोटी चूहे और खरगोश खाते थे। जब कायोटी कम होने लगे तो जंगल में चूहे और खरगोश बढ़ गए। चूहों को खरगोशों को खाने के लिए बाज आए, वीजल आए, बैजर आए, लोमड़ियां आई। इतने सारे पशु पक्षियों ने उस जंगल को अपना घर बना लिया। इनमें से कुछ को तो हम जानते भी नहीं। फिर रेवन कौवे आए, बॉल्ड ईगल चील आई। जब जंगल में इतना शिकार हो रहा था तो शिकार का बचा खुचा भाग खाकर यही तो जंगल की सफाई करते। पता है भालू भी आए। एक तो जंगल में अब बहुत मीठी मीठी बेरीज उगती थी और शहद, भाई साफ बात है भालुओं को तो वहां का शहद ही खींच लाया था। उस वीरान जंगल की तो अब शक्ल ही बदल गई थी। चारों ओर हरियाली, इतनी चहल पहल और इतनी सुंदरता। अब उसकी नदी की बात सुनो। नदी के किनारे से मिट्टी नहीं सरकती थी क्योंकि पेड़ों ने उसको अपनी जड़ों से बांध लिया था। तो नदी अपने स्थान पर रहने लगी, न खिसकती न सरकती। इतने पेड़ पौधे थे तो बारिश अधिक होती थी, बीवर के डैम और इतनी बारिश। अब येलोस्टोन की नदी अकेली नहीं थी, उसके साथ कितने ही तालाब और छोटे मोटे नदी नाले बह निकले थे। येलोस्टोन जंगल अब उदास और वीरान नहीं था, वह तो जीवन के उत्साह से लहलहा रहा था। पर वह नहीं भूला कि यह सब परिवर्तन हुआ किस कारण? उन 14 भेड़ियों के कारण। कहानी तो यहां खत्म हो गई, पर अब तुम सोचो, अगर तुम और तुम्हारे मित्र मिलकर 10 पेड़ उगाएं, तो तुम्हारे आसपास उससे क्या कुछ बदल सकता है? सोचो, सोचो, सोचो। अच्छा एक बात तुम्हें मालूम है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका का ही नहीं, शायद सारी दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। Excuse me भैया, excuse me। बोलिए मैडम। मेन्यू में क्या है? मेन्यू में सीन अनसीन है, पॉडकास्ट है, ऑनकोर्स है, साइरस है, मेड इन इंडिया, रीडिस्कवरी प्रोजेक्ट, एम्पावरिंग सीरीज, सेक्स वेक्स है, आईवीएम लाइक्स है, सिंप्लीफाइड है, कीपिंग इट क्वियर है, ड्रिंक्स एंड डेस्टिनेशन है, माय नेबर ज़करबर्ग है और द फैन गैराज है। आपको क्या चाहिए? एक बार रिपीट कर देंगे क्या? रिपीट नहीं करता हम, आप जाओ आईवीएमपॉडकास्ट.com पे और सुनो ये सब, या फिर डाउनलोड करो उनका ऐप, सब आपकी उंगलियों पे।